अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पॉट ऑफ फूड। आज हम बनाने लगे हैं मैक्रोनीज, जिसके लिए हमें वेजिटेबल कटिंग करने लगे हैं। उसके बाद हमने मैक्रोनीज बॉईल करने हैं, जिसके लिए हमें मैक्रोनीज जो आपको सिंपल मिल जाए, फिर पानी में नमक, ऑयल और मैक्रोनीज ऐड करके इसको बॉईल कर लें। जब मैक्रोनीज उबल जाए देन उसे आप स्ट्रेन कर लें। ये देखें, साथ साथ उसको चम्मच चलाते रहें ताकि नीचे न लगे, साथ इसको स्ट्रेन कर लें। उसके बाद आपने सारी जो वेज होंगे सारी कटिंग कर देने। कैबेज है, कैप्सिकम है, अनियन है और साथ में ये कैरेट है और ये पीस है और ये चिकन है जिसको मैंने बॉयल कर लिया, और आलूओं को भी बॉयल कर लें। सिंपल नमक डाल के बॉयल करें चिकन को। जो अब चिकन को हमने सिर्फ एक चम्मच ऑयल डाल के फ्राई कर लिया, उसमें नमक डाल दिया थोड़ा सा, फिर ऑयल डाला है हमने, और मटर जो जिसको मैंने पहले हल्का सा बॉयल कर लिया था मटर को नो, उसके बाद जो कैरेट है उसको हमने फ्राई कर लेना है। देन इसमें नमक डाल देना आपने और फिर ऑयल डालना है। उसके बाद आपने अनियन अपने फ्राई कर लेने हैं, शैलो फ्राई करने हैं जस्ट 2-3, और फिर उसके बाद आपने फिर ऑयल डालना है। जब भी फ्राई करना है उसमें आपने एक चम्मच ऑयल डालना है, जस्ट फ्राई कर लेना है। फिर इसके बाद अपने इसमें शिमला मिर्च फ्राई कर रहे हैं और हल्का सा नमक डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर ऑयल और कैबेज, और सब सारी चीज़ हो जाएंगी, फ्राई हो जाएंगी। उसके बाद आपने ज़ीरा, काली मिर्च, नमक, ये आपने लहसुन लेना है उसको पीस लेना है, ये दर-दर मिर्ची हैं, ये चाइनीज़ नमक है। फिर ऑयल लेना है पैन में, उसमें आपने लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेना है, फिर इसमें आपने ज़ीरा डाल देना है। फिर उसमें कैचअप और सिरका लेना है, जिसके बाद आपने जैसे ही लहसुन हो जाएगा साथ ही सिरका डाल के इसमें कैचअप डाल दें, इसे अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद आपने जो सारी चीज़ें मिक्स की थी ये वो बीच में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसमें जो हमने सारी वेज फ्राई की हैं वो डाल दी आपने बीच में विद चिकन, और उसको हल्के से अच्छे से मिक्स करके इसमें मैक्रोनीज हमने बॉईल की थी वो मिक्स कर ली हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि सारा अच्छे से मिक्स हो जाए, और चेक कर लें नमक इसमें बिल्कुल सही, और इसे प्लेट में डिश आउट कर लें। थैंक यू वॉचिंग।